आपके पास ये सारा सामान कैसे आया, कहाँ से आ रहे हो, टिकट दिखाओ अपना, कौन कौन सी कंट्री अभी आप ट्रैवल करके आ रहे हो, सारे वीज़ा चेक कराओ। सारे सामान बिखरे पड़े थे और चार पांच पुलिस वाले वहीं पे खड़े थे। वो भाई लोग, आज तो पुलिस से मुलाकात हो ही गई, सिंगापुर पुलिस से। हुआ क्या कि हमारे जितने भी लगेज थे उसमें से एक लगेज जो है वो हमसे बाय मिस्टेक कहीं गिर गया था। अब उस लगेज में क्या क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्या कि पहले हम यहाँ मॉर्निंग में पहुँच गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि हमें सारे सामान लेकर मैं चला गया था डिपार्चर वाले पे। तो जब फिर वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे कुछ खाने पीने को था नहीं। फिर मैंने सारा बैग यहीं पे रखवाया और आगे चला गया कि चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो जब मैं बाहर गया दूसरी साइड जो जेवेल एरिया है जहाँ पे पूरा वो वाटरफॉल होता है, उस एरिया में गया, मैं एक्सप्लोर किया, वहाँ पे खाने पीने को गया। तो मैं वापस गया कि बोलने के लिए कि चलो खाने पीने वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे है। फिर मैंने बोला यार एक बैग मिसिंग है। तो यार एक बैग मिसिंग था, अब क्या हो गया, अब परेशान पूरा भाई, उसमें बहुत सारे सामान थे उसमें। अब वापस हम वहीं पे आए जहाँ पे हम बैठे थे, वहाँ बैठे थे देखे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, अलग ही टेंशन थे। और एयरपोर्ट पे जब आपके सामान अगर मिसप्लेस होता है ना तो बहुत बड़ा इशू होता है ये। फिर उसके बाद एक शॉप पे गया, उसमें मैंने पूछा कि इन्फॉर्मेशन काउंटर कहाँ पे है, उसने बताया कि आप राइट साइड को जाओ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काउंटर है। फिर मैं वहाँ पे जैसे ही गया मैं देखा सामान बिखरे पड़े थे और चार पांच पुलिस वाले वहीं पे खड़े थे। वहाँ से टोटल चार पांच पुलिस लोग आ गए थे वहाँ पे, और उसके बाद जो उन्होंने इंक्वायरी करना शुरू किया, बैग आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया था, आपके पास ये सारा सामान कैसे आया, कहाँ से आ रहे हो, टिकट दिखाओ अपना, कौन कौन सी कंट्री अभी आप ट्रैवल करके आ रहे हो, सारे वीज़ा चेक कराओ। तो ये सारे डिटेल्स उन्होंने मांगने लगे थे, अलग से रूम में लेकर गए थे वो, और मेरे से और काजू से पूरी इंक्वायरी कर रहे थे कि मतलब क्या आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सी कंट्री आपने ट्रैवल की है, सारे वीज़ा चेक कराए, कौन से होटल में आपने स्टे किया था, कौन से कंट्री में कितने दिन रुके थे। ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन कौन से सामान आप लेकर आ रहे हो। सारा कुछ हमने दिखाया था, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की जो थी हम लेकर आ रहे थे वहाँ से, तो कुछ थाईलैंड से था, कुछ मलेशिया से था और सिंगापुर से था, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो ये दूसरे कंट्री से जो मैं लेकर आ रहा था उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, और उसके बाद फिर बोले कि आपको एक साइन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये आपका सामान है, और इसके अंदर अगर कुछ भी अगर मिसप्लेस अगर हो गया है तो इसकी गारंटी सिंगापुर नहीं लेगी, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने सामान छोड़ा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ मिसप्लेस हुआ है तो। तो हमने चेक किया था तो ऐसा कुछ था नहीं, और उसके बाद उन्होंने साइन करवाए, दोनों के पासपोर्ट नंबर फोटोकॉपी सारा कुछ रखा है इन्होंने, वीज़ा कॉपी रखा है, थाईलैंड का तो वीज़ा ऑन अराइवल था तो उन्होंने बोल दिया था। फिर मलेशिया का भी वीज़ा उन्होंने लिया, सारा कॉपी किया और सारे पे सिग्नेचर्स करवाए, और उसके बाद बोले कि आप पैक करो, और फिर एक जगह और लेकर गए वहाँ पे। फिर उन्होंने एक दो दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर आए, फिर उन्होंने फिर दोबारा चेक किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो उसके बाद बोले कि ठीक है आप जा सकते हो, बट नेक्स्ट टाइम सामान जो है आप अपना ध्यान रखना। तो गाइज़ मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप लगेज कैरी कर रहे हो, दो तीन चार जो भी आपके पास लगेज है, आप काउंट करके चलो और हर जगह देखो कि इतने काउंट आपके अभी भी है या नहीं है। तो अगर नहीं है ना, तुरंत आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाओ, कोई भी एयरपोर्ट है तो वहाँ पे हर एयरपोर्ट पे इंफॉर्मेशन सेंटर होता है,
तो वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इंक्वायरी करो कि मेरा सामान छूट गया है, मिसप्लेस हो गया है, चोरी हो गया है, कुछ भी है, आप इमीडिएट इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्मेशन काउंटर पे ही सारा कुछ बताया जाता है। तो वहीं पे मैं गया था और वहीं से मुझे बैग मिला। उन्होंने बोला कि आप यहाँ चले जाओ, फिर मैं जहाँ पे उन्होंने बोला था वहाँ पे मैं गया, तो मेरा सारा बैग खुला हुआ था और सब कुछ सामान निकाल रखे थे, सब कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, पुराना बोर्डिंग पास भी रखा हुआ था, तो उन्होंने चेक किया था, वो सारे डिटेल ए टू जेड सब कुछ रिटर्न में डाला हुआ है। तो बॉस ये सब चीज़ें ना, स्पेशली एयरपोर्ट पे ये सब थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। और करीब एक घंटे पूछताछ के बाद फिर हमें छोड़ा गया था वो।